दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मेन और वुमेन दोनों के लिए फ्री डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या खा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये डाइट प्लान काफ़ी इजी और प्रैक्टिकल है, इसलिए अगर आप स्पेसिफिक कर गए तो आपका वेट बहुत जल्द कम हो जाएगा। करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ केयर टिप्स। तो उठते ही बिना ब्रश किए आपको सबसे पहले तांबे के बर्तन में रात का रखा हुआ पानी पीना है। बिना ब्रश के पानी पीने में मुंह की लार भी साथ में जाएगी, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें बहुत हाई होती है। तांबा यानी कि कापर रात भर में पानी को चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से यह वेट लॉस के लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पी जाए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, और 3-4 गिलास पानी पिया जाए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अप हो जाए और फैट बर्न इन प्रोसेस फास्ट। अगर आपको सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो प्लीज़ इस टाइम पर स्किप कर दीजिए। आप बाद में दिन में कभी भी पी लीजिए तो बेहतर होगा। इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक फ्रूट खाएँ। आप एक एप्पल खा सकते हैं। अगर आप केले पर काली मिर्च लगाकर भी खाएं तो वो भी आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। या कोई भी और फल, आपका फेवरेट सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। या आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन और रिच हो, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। ब्रेकफास्ट में हम मूंग दाल डोसा खा सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको पराठा खाना पसंद है तो पराठे भी खा सकते हैं। ध्यान दें कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कांग्रेस पर फोकस करना है। मैदा वाइट ब्रेड से दूरी बनाकर रहें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्राउन ब्रेड को भी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में जो ब्राउन ब्रेड मिलता है उसमें मैदा मिक्स्ड होता है, कभी कभी खा सकते हैं। अब से 1 घंटे बाद और लंच से 40 मिनट पहले तक आपको कोशिश करनी है कि 2 गिलास पानी पी जाए, ताकि इससे मेटाबॉलिज्म अप रहेगा। और ब्रेकफास्ट है बेस्ट है, पानी की बोतल साथ रख सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है तो आप 1 मुट्ठी अनवांटेड रोस्टेड पीनट खा सकते हैं, या 4-5 बादाम, 4-5 भिगे हुए बादाम चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर सिंपली कोई फ्रूट खा सकते हैं, फिर चाय भी पी सकते हैं। चाय काफ़ी पीने या फिर किसी नेचुरल स्वीटनर के साथ ही मीठी करें, मैं कुल अवॉइड करें, क्योंकि रिफाइंड शुगर वेट लॉस की नंबर 1 दुश्मन है। अब आते हैं लंच पर। दोस्तों, बेस्ट होगा अगर आप लंच को लेट से स्टार्ट करें। कच्ची सब्जियों का सलाद खाने से ना ही सिर्फ आपको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलेगा, बल्कि आप ओवरहीटिंग से भी बच जाएंगे। सिंपल घर का खाना खाएं, जिसमें थोड़ा प्रोटीन हो, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे कि आप सेमी ब्राउन राइस के साथ छोले, चने या राजमा खा सकते हैं। इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी भी डालकर खा सकते हैं। बिल्कुल टेंशन ना लें, हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है और फैट बर्न प्रोसेस में हेल्प करता है। आप खुद भी खा सकते हैं, या पनीर की भी कोई सब्जी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर रोटी फ्राइज के साथ चिकन ब्रेस्ट ऑफिस में खा सकते हैं, मतलब सिंपल। वही अगर हो सके तो लंच के बाद 1 गिलास नमकीन छाछ, काली मिर्च और जीरा डालकर पीजिए, इससे बहुत हेल्प होगा। वरना सिंपल दही भी खा सकते हैं। बेसिकली सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। अब फ्री अंग और इवनिंग स्नैक्स से 30 मिनट पहले तक हो सके तो 1 गिलास पानी जरूर पिए। अब आता है इवनिंग, आता है जब हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और हम अक्सर ही बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा बैठते हैं, और इसका रीज़न काफ़ी बार ही होता है कि समझ ही नहीं आता कि शाम को क्या खाना है।
डोंट वरी, मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। सबसे सिंपल ऑप्शन है कोई भी सीजनल फ्रूट, एक्चुअली फ्रूट बेस्ट है, खूब अच्छी क्वांटिटी में भी खा सकते हैं। हो सके 2 मुट्ठी रोस्टेड चने के साथ में 1 मुट्ठी अनरोस्टेड पीनट, और आप चाहो तो साथ में 1 कप चाय भी पी सकते हो। तीसरा, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा भूख है तो आप चना चाट खा सकते हैं। दोस्तों, यह सारे और आपको शरीर को हेल्थ करेंगे। बाहर के चंगुल से बचने के लिए अब जा सकते हैं डिनर पर। वैसे जो भी ऑप्शन सामने लंच में डिस्कस किए हैं वह डिनर के लिए भी काफ़ी है। अगर लंच में 3 रोटी खाते हैं तो डिनर की कुछ दूरियां बनाकर रखें, और रात में हल्का खाना खाएं जैसे दाल चावल या खिचड़ी, बहुत अच्छे ऑप्शन है। 1 चम्मच देसी घी डालना मत भूलें। रोटी के साथ कोई भी चीज़, पीनट और करी भी खा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस कितनी जल्दी कम होगा वह यह है कि आपका डिनर का टाइमिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिनर बहुत लेट करते हैं तो खाना पचेगा नहीं बल्कि सीधे रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। इसलिए अगर हो सके तो दैनिक शाम को 7 बजे तक ही कर लें। लेकिन अगर आपका वर्किंग और इसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट डिनर को लाइट रखें, और डिनर करने के बाद वॉकिंग ज़रूर करें, इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब क्योंकि आपको डिनर जल्दी किया है और लाइट किया है तो आपको रात को भूख भी लग सकती है। इसलिए आप रात को सोने से आधे घंटे पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पिए, फैट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा, स्वप्न दोष में भी हेल्प करता है। सुबह या शाम आप जब भी फ्री होते हैं तो 30 से 40 मिनट समय निकाल कर वर्किंग करना चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस कितना जल्दी कम होगा वो यह है कि आपका डिनर का टाइमिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिनर बहुत लेट करेंगे तो खाना पचेगा नहीं बल्कि सीधा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज ढलने के बाद हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। इसलिए अगर हो सके तो दैनिक शाम को 7 बजे तक ही डिनर कर लें। लेकिन अगर आपके वर्किंग और इसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता तो एट